Good morning student. Now today we learn about the next part, that is the पोलन पेस्टिल रिएक्शन. ठीक है, अपने को पोलन पेस्टिल रिएक्शन जो है, आज अपने को पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन पढ़ना है. ठीक है, पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन. पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन, तो ये पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन जो है आपका, तो वो कौन सा है आपका पेज जो है टेक्स्ट बुक, ऑन योर टेक्स्ट बुक 1.8, आपकी टेक्स्ट बुक में 1.8 के इसमें पेज नंबर 9, पेज नंबर जो है वो कौन सा है आपका 9, पेज नंबर के ऊपर ये पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन जो है अपने आपका दिया हुआ है. तो आज अपने को बाय डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपने को क्या पढ़ना है, पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन पढ़ना है. ठीक है, तो पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन के लिए अपने को थोड़ा सा हम इसको लेबल कर लेते हैं डायग्राम को. डायग्राम का लेवल देखो क्या है ये, मतलब दिस वन इज द स्टिग्मा. ठीक है, ये आपका हो गया स्टाइल. अब दिस वन इज द ओवरी. ठीक है, ये क्या है आपका, ये टुगेदरली हम इसको क्या बोलते हैं, पेस्टिल. वही अपने को इसका ही इंटरेक्शन पढ़ना है. ठीक है, एंड दिस वन इज द, ये जो है ये कौन सा आपका पेटल्स. ये जो है ये क्या है आपका सेपल्स. देन ये आपका एंथर. दिस वन इज द फिलामेंट्स, टुगेदरली कॉल्ड एज द स्टेमन. इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं. ठीक है, एंड दिस वन इज द, ये ओवरी हो गया आपका, और ये जो है ओवरी के बीच में इसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं. ठीक है, तो क्या हो गया स्टिग्मा, स्टाइल एंड जो ओवरी है इसको हम क्या बोलते हैं, पेस्टिल बोलते हैं. तो आज अपने को वही इंटरेक्शन जो है आज अपने को पढ़ना है, पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन जो है आज अपने को पढ़ना है. ठीक है, तो पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन किस में,1.8 ऑन पेज नंबर 9. ठीक है, आपका जो पेज नंबर 9 है 1.8 का ये है पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन जो है 1.8 किस में दिया हुआ है. ठीक है, तो पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन मतलब क्या, पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन मतलब क्या कि पोलन मेक इट इंटरैक्ट विद द पेस्टिल्स. ठीक है, पोलन का जो पेस्टिल के साथ इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, पोलन का स्ट्रक्चर देखेंगे. जो भी पोलन है तो पोलन का स्ट्रक्चर देखेंगे. वट एवर द पोलन स्ट्रक्चर इज देयर, दैट पोलन स्ट्रक्चर क्या रहता है, दैट इज नॉन मोटाइल इन नेचर रहता है. जो भी पोलन का स्ट्रक्चर रहता है तो दैट इज़ नॉन मोटाइल इन नेचर. वो कैसा रहता है, नॉन मोटाइल इन नेचर. तो उसको स्टिग्मा के इसमें लैंड होने के लिए पोलन, देखो ये एंथर है, एंथर किस में क्या रहता है, एंथर किस में बाइलोब स्ट्रक्चर है एंथर का, एंथर किस में क्या रहता है, पोलन रहता है. द अनदर नेम ऑफ द पोलन ग्रेन दैट इज कॉल्ड एज द मेल गमेट. इसी को हम क्या बोलते हैं, मेल गमेट भी बोलते हैं. पोलन किस को क्या बोलते हैं, मेल गमेट भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसका अपने को आज क्या देखना है, इंटरेक्शन देखना है पोलन और पेस्टिल. ठीक है, पोलन मतलब पोलन और पेस्टिल क्या है कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी टुगेदर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द पेस्टिल. ये टुगेदर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेस्टिल बोलते हैं. ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन. ये थोड़ा सा पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन इसका इंट्रोडक्शन था. इसके बाद में हम वन बाय वन पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन जो है वो फ्लावर के अंदर कैसे होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे. नाउ देखो पहला जो है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए क्या चाहिए, पोलन ग्रेन आपका चाहिए। तो जो भी पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन का क्या होता है, पोलन ग्रेन में गेट एक्ट ऑन द, यहाँ पे पोलन ग्रेन जो रहता है दैट में गेट लैंड ऑन द स्टिग्मा। ये क्या होता है, पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा के इसमें पोलन ग्रेन जो रहता है वो क्या होता है, लैंड होता है, लैंड होता है, ठीक है। देन आफ्टर ये जो स्टिग्मा रहता है दैट स्टिग्मा इज स्पेसिफिक, मतलब वो जो स्टिग्मा रहता है दैट स्टिग्मा इज कंपैटिबल, मतलब जो भी इसमें स्टिग्मा की इसमें क्या रहता है कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी रहती है स्टिग्मा के इसमें, मतलब कंपैटिबिलिटी क्या रहती है, कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी। पहला जो है कौन सा है, कंपैटिबिलिटी, और सेकंड जो है वो कौन सा है, इनकम्पैटिबिलिटी। सेकंड जो है वो कौन सा है, कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो क्या करेगा ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जब इसके इसमें लैंड होगा, जब पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के इसमें लैंड होगा, तो देर इज़ अ वन इंटरेक्शन और देर इज़ अ वन रिकॉग्निशन साइड। जो भी मतलब एक स्पेशलाइज टाइप के प्रोटीन जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो स्टिग्मा रहता है तो स्टिग्मा के इसमें क्या रहता है, प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, स्पेशल टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। दैट स्पेशल टाइप ऑफ द प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिकॉग्नाइज वेदर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन इज कंपैटिबल और नॉट, ठीक है। जो भी पोलन ग्रेन उसके पास आया है, ये स्टिग्मा के पास जो भी पोलन ग्रेन आया है, तो वो पोलन ग्रेन जो है वो कंपैटिबल है कि नहीं है, उसको वो क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। जो भी पोलन ग्रेन आया है वो कंपैटिबल है या नहीं है, ठीक है। नाउ वॉट एवर द पोलन ग्रेन दैट आर कंपैटिबल टू स्टिग्मा, जो भी पोलन ग्रेन है तो जो कंपैटिबल रहेगी स्टिग्मा की इसमें, जो भी पोलन ग्रेन कंपैटिबल रहेगी, दैट पोलन ग्रेन ओनली, दैट पोलन ग्रेन में गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टिग्मा। वही पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा अपने ऊपर क्या करके लेगा, लैंड करके लेगा, ठीक है। मतलब ओनली दैट पोलन ग्रेन में गेट लैंड और स्टिक ओवर दैट स्टिग्मा, वो स्टिग्मा के ऊपर वही पोलन ग्रेन जो है वो क्या होगा, स्टिक होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ग्रेन स्टिक होने के बाद में यू नो दैट स्टिग्मा, जो स्टिग्मा रहता है उसमें क्या रहता है, स्वीटेंड जूस रहता है और नेक्टर रहता है, और तो जो भी नेक्टर रहता है और स्वीट जूस रहता है, तो पोलन ग्रेन में गेट एब्जॉर्ब दैट स्वीट जूस एंड नेक्टर फ्रॉम दैट स्टिग्मा। जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स एंड जो भी स्वीटेंड जूस रहता है दैट स्वीट जूस में गेट एब्जॉर्ब बाय दैट पोलन ग्रेन, ठीक है। तो वो पोलन ग्रेन क्या कर लेगी, वो जूस जो है स्टिग्मा के इसमें एब्जॉर्ब कर लेगी। देन धीरे 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 वही पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ग्रेन क्या फॉर्म करेगी, अपना ट्यूब फॉर्म करेगी, ठीक है। यहाँ से अपना ये क्या होगा, अपना ट्यूब फॉर्म होगा, पोलन ग्रेन का ट्यूब जो है वो धीरे धीरे पोलन ग्रेन का लैंड होने के बाद में पोलन ग्रेन का ट्यूब फॉर्म होगा। देन ट्यूब फॉर्म होने के बाद में आपको पता है कि जो भी पोलन ग्रेन रहता है, तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या रहता है, दो मेल गमेट्स रहते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर क्या रहते हैं, दो मेल गमेट्स रहते हैं। तो ये धीरे मतलब स्टिग्मा इसका इंटरेक्शन होने के बाद में, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन पर्टिकुलर लैंड होने के बाद में, वो स्टिग्मा से धीरे 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 अपना पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा, और पोलन ट्यूब फॉर्म करके यहाँ पे मतलब ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये ओवरी के स्ट्रक्चर में धीरे 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 वो क्या होगा, रन होगा, ठीक है। अभी ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, तो ओवरी के स्ट्रक्चर के इसमें जो भी ये एम्ब्रियो सैक है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बैठा है, आपको पता है कि दो सिनर्जिड सेल्स रहते हैं। क्या रहते हैं, सिनर्जिड सेल्स रहते हैं। यहाँ पे दो सिनर्जिड सेल्स रहते हैं एंड एक जो है वो एक कौन सा रहता है, एक सेल रहता है, ठीक है। ये दो सिनर्जिड सेल रहते हैं और एक जो है वो क्या रहता है, एक सेल रहता है। तो इसका जो एक मेल गमेट है, वो एक मेल गमेट यहाँ से रन होके क्या करेगा, ये जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर यहाँ से क्या करेगा, ब्रेकअप करेगा, और यहाँ से ब्रेकअप होने के बाद में जैसे ही ये मेल गमेट यहाँ से क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। एंटर होने के बाद में ये जो दो सिनर्जिड सेल्स है, यहाँ पे दो सिनर्जिड, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या रहता है, ये जो नीचे वाला साइड रहता है माइक्रोपाइल एंड के इसमें, तो वहाँ पे आपको डिटेल में हमने जो भी अपना लास्ट लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर है, ऑन दैट प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट द डिटेल्स अबाउट द सिनर्जिड सेल एंटीपोडल सेल एंड द पोलर सेल्स। ठीक है, पोलर तीनों के बारे में हमने ये लास्ट लेक्चर के इसमें क्या पढ़ा है, डिटेल्स पढ़ा था। ठीक है, तो अभी जो भी सिनर्जिड सेल्स है तो सिनर्जिड सेल्स क्या करेगा, जैसे ही एक मेल गमेट यहाँ पे रन होगा तो ये सिनर्जिड सेल्स अपना वाटर और न्यूट्रिएंट जो है वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट वहाँ से रिलीज करेगा और ये एम्ब्रियो सैक का जो आउटर कवरिंग है दैट एम्ब्रियो सैक का आउटर कवरिंग क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, एम्ब्रियो सैक का आउटर कवरिंग जैसे ही ब्रेक होगा, वो ब्रेक होने के बाद में ब्रेक किससे होगा, क्योंकि ये सिनर्जिड सेल के अंदर क्या रहता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। वो वाटर जैसे ही सिनर्जिड सेल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, ब्रेकआउट हो जाती है, तो वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट जो है वहाँ से रिलीज्ड हो जाते हैं एंड प्रेशर जो है वहाँ पे क्या हो जाता है, एग्जर्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई दैट एम्ब्रियो सैक में गेट ब्रेक डाउन एंड द वन मेल गमेट्स जो है वहाँ से एंटर्ड हो जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द पोलन पेस्टिल रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पोलन पेस्टिल रिएक्शन, पोलन पेस्टिल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन का किसके साथ रिएक्शन हुआ, पेस्टिल के साथ। मतलब ये पूरा पेस्टिल, मतलब पेस्टिल का स्ट्रक्चर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी दैट इज टुगेदरली कॉल्ड एज द पेस्टिल। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के स्ट्रक्चर को ही हम टुगेदरली क्या बोलते हैं, पेस्टिल बोलते हैं। ठीक है, पेस्टिल बोलते हैं। तो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये जो एक ये रहता है, उसके बाद में बाद का स्टेप जो है दिस इज कॉल्ड एज द पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन एंड उसके बाद का स्टेप जो है वो कौन सा, अपना फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंड डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में ट्रिपल फ्यूजन होता है। क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो ये सभी जो टर्म्स है, ये इंटरेक्शन के बाद में सभी जितने भी टर्म्स हैं, तो ये टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर के इसमें हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन के इसमें आपको मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट जो है वो प्रोवाइड कर देती कि व्हाट इज़ मीन बाय द पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन, कौन से की पॉइंट्स हैं, वो कौन से की पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं, तो थोड़ा सा हमने उसके बारे में आपको बता देते हैं। ना दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, तो पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो इसका थोड़ा सा हम क्या देख लेते हैं, आज फ्लो चार्ट जो है इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे हम, ताकि आप नोट्स जो है वो फ्लो चार्ट कैसे आप नोट्स बना सके। ठीक है, तो क्या होता है, वन बाय वन हम देखेंगे कि पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन के इसमें इंटरेक्शन ऑफ द पोलन ग्रेन एंड द स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा का इंटरेक्शन होता है। देन सेकंड जो है, इट बिगिंस विद द पॉलिनेशन एंड एंड्स विद द फर्टिलाइजेशन। ये कौन से प्रोसेस से बिगिंस होता है कि पोलन transfer of pollen grain from anther to stigma, that process is called as the pollination process. It means that it begins with the pollination. ठीक है, and whenever the pollen pestil reaction is occur, at that time the fertilization process means उसके बाद में, तुरंत बाद में कौन सा होता है कि मेल गैमेट जो है वो एक सेल के साथ में फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। सो दैट्स वाई क्या बोलते हैं हम कि इट बिगिंस विद द पॉलिनेशन एंड एंड्स विद द फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के साथ वो स्टार्ट होता है और फर्टिलाइजेशन के साथ वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। देन ऑल द इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हैं, फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ द पोलन ग्रेन एंड द स्टिग्मा टू एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब टू सिनर्जी ऑफ द ओव्यूल, ये सभी के सभी है कहाँ से, डिपोजिशन ऑफ द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का डिपोजिशन से लेके पूरा एंट्री ऑफ द पोलन, ये पोलन ट्यूब का जो एंट्री है, पोलन ट्यूब का एंट्री इनटू द सिनर्जिड सेल, ये सिनर्जिड सेल तक के जो भी एंट्री है, इसका डिपोजिशन से लेके जो भी एंट्री का प्रोसेस है, दैट ऑल द इवेंट इज कॉल्ड एज द पोलन पेस्टिल रिएक्शन। एक एक इवेंट है सभी। ठीक है, पोलन ग्रेन के डिपोजिशन से पोलन पेस्टिल रिएक्शन तक के। देन आफ्टर दी जो भी पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन की इसमें कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन में गेट ऑकर हियर. ठीक है, जो भी कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स रहेगी, ओनली दैट कंपैटिबल पोलन ग्रेन में गेट एब्जॉर्ब इनसाइड दैट स्टिग्मा. जो भी कंपैटिबल पोलन ग्रेन है वही ये स्टिग्मा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उसी से वो मेलगमेट जो है वो रन होंगे. ठीक है, इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन जो इसको रिपेल करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा. एंड देन आफ्टर जो लास्ट पॉइंट है, पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टिग्मा एंड जर्मिनेट द पोलन ट्यूब. ठीक है, जो पोलन ग्रेन है वो क्या होगी, स्टिग्मा से एब्जॉर्ब होगी एंड ये पोलन ट्यूब जो है वो क्या होगा, जर्मिनेट होगा. नाउ जो इसी के इसमें ये थोड़ा सा मतलब शॉर्ट कॉन्सेप्ट जो है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट इसके इसमें दिया हुआ है, तो वो शॉर्ट कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपने को पढ़ना है, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है अपना, आर्टिफिशियल hybridization. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और वो पेज नंबर 9 के ऊपर आपके इसमें टेक्स्ट बुक में ऑन पेज नंबर 9 जस्ट बिलो दैट पोलन पेस्टल रिएक्शन के जस्ट बिलो ये कॉन्सेप्ट जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ऑन पेज नंबर 9. ठीक है, पेज नंबर 9 के ऊपर दिया है. तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के इसमें क्या होता है कि एज द नेम इंडिकेट आर्टिफिशियल, ये इसका नेम ही क्या है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल. ठीक है, इसका आर्टिफिशियल मतलब क्या कि आर्टिफिशियली हम इसको क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इसका, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हैंड पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स रहती है, हैंड पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स and pollinated pollen grain land over the stigma. ठीक है, आर्टिफिशियल जो भी पोलन ग्रेन्स रहती है, तो आर्टिफिशियल पोलन ग्रेन क्या करते हैं, जो स्टिग्मा के ऊपर आर्टिफिशियली मतलब उसको हैंड पिकअप करते हैं, हैंड से उसको रिमूव करते हैं पोलन ग्रेन को, और वही पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर क्या करते हैं, लैंड करते हैं. एंड फ्रॉम दैट प्रोसेस द जो भी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस से जो भी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हम करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस. वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस. ओके, थैंक यू. एंड वट एवर दी, तो आज हमने क्या पढ़ा है, दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं. ठीक है, पोलन पेस्टल रिएक्शन, पोलन पेस्टल इंटरेक्शन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. वट एवर द फ्लो चार्ट आई विल प्रोवाइडेड इन दिस लेक्चर, यू हैव टू मेक द नोट्स फ्रॉम दैट फ्लो चार्ट. एंड बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर you have to read that all portion details. Thank you.